अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार। मैंने सोचा आज के बाद मैं वीडियो एनर्जी के साथ स्टार्ट किया करेंगे। एनर्जी से स्टार्ट करूँगा तो पूरी वीडियो एनर्जी के साथ बनती है। पिछले 2-3 दिन से ना मैं बहुत डिप्रेस था और अपसेट भी था। आप लोग कहोगे कि ये ढीठा आदमी जिसने रमजान में सिर्फ 3 वीडियोज बनाई हैं वो क्यों अपसेट होगा? और सच बताऊँ तो रमजान में तो मेरे पास बहाना था, जेन्युइन बहाना था बहाना, लेकिन जेन्युइन था कि मैं गाँव में था, रोजे भी थे, गर्मी भी थी, और गाँव में आप गाड़ी के रिलेटेड क्या बना सकते हो। तो मैं रमजान में सिर्फ 3 वीडियोज बना सकूँ, लेकिन मेरा इरादा था वो ये था कि ईद के फौरन बाद मैंने वीडियोज फेंक रही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उसकी भी एक जेन्युइन रीजन है। 27th रमजान को मेरे फादर हैं जो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू हो गया था। अगर आपको नहीं पता तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट गूगल पे सर्च कर लेना यार। और उस तकरीबन टिल टुडे मैं अबू के साथ था, उनके इलाज के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए हम भागते थे, और तकरीबन 10 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ। अभी माशाल्लाह वो फिट हैं और रिकवर कर रहे हैं। तो आज मैंने वीडियो का स्टार्ट किया, मैंने कहा एक दफ़ा इस टेंशन से निकल लूँ, क्योंकि रोज़ मुझे पिंडी आना है, इस्लामाबाद जाना है, गाँव वापस जाना है, ऐसे मेरा चल रहा था तो मेरे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। और 10 दिन से मैंने अपनी गाड़ी नहीं धोई, क्योंकि तुम यकीन कर सकते हो मेरी गाड़ी का हाल तुम लोग देख सकते हो, तुम नज़र आ रही है तो ये चेक करो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, माजरा जात जितना भी लेट हो गया होगा, लेकिन अब मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। मैं बहुत सैड फील कर रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि लाइट कम हो रही है और गाड़ी भी धोनी है। और मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आज की वीडियो एक तो गाड़ी में आपको चमचम करके दिखाऊंगा, और एक दो चीजें जो मैंने आपको दिखानी है उन पे आज मैं पहली दफा खुद तजुर्बा कर लगा और मैं आपके सामने तजुर्बा करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले तो ये भाई ने आपकी कॉर्डलेस ड्रिल खरीदी है, ये मेरे एक अजीज़ उनके पास थी और मैं ये ढूंढ रहा था। इसके मल्टीपर्पज़ हैं, एक तो इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर है लगा हुआ है, ये आगे आप बिल्ट लगा के उसका आप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर सकते हो, ये बैटरी की चलती है। और दूसरी जो चीज़ के लिए मैंने खरीदा है वो है ये चीज़, ये पॉलिशर, इसको हम एज अ पॉलिशर यूज़ करेंगे और बहुत मज़े की पॉलिशिंग करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका सीन क्या है, ये देखो यार, ये देखो ये पॉलिशिंग फोम है इसका। इस तरह के फोम आपको हर जगह से मिल जाएंगे, हार्डवेयर स्टोर से मिल जाते हैं। ये इसके वो क्या कहते हैं, सैंडिंग पेपर टाइप चीज़ है, ये भी सैंडिंग पेपर टाइप चीज़ है। और ये आपका पॉलिशिंग के लिए है, वैक्स लगाने के लिए है। ये जो आपका ये थोड़ा हार्ड होता है, ये आपको कंपाउंड शुपाउंड मारने के लिए होता है। और इसके अलावा ये मैंने यार देखो नया गाड़ी के लिए शैम्पू लिया है, और पिछला गैलन मेरा गिर गया था, पानी सारा निकल गया था उसमें से। और ये एक तीसरी चीज़ ये है, इसको आप ड्रिल के आगे लगा के यार इससे कारपेट साफ़ कर सकते हो गाड़ी के, और उसके अलावा व्हील साफ़ कर सकते हो गाड़ी के टायर वगैरह। भाई देखो मैं कारपेट पर मारता हूँ, इसमें मिट्टी है बहुत सारी, और ये मल्टीपर्पज़ है यार, मतलब बड़ी कमाल की चीज़ है यार। इसको मैं बहुत अभी आप गाड़ी धोएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे अगर रोशनी देख लो बार बिल्कुल सूरज वो जा रहा है एंड पे, तो देखते हैं अगर टाइम मिल जाता तो मैं आपको ये सारी चीज़ों पर तजर्बा करके थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। अगर नहीं मिलता तो आज धो लेंगे, तो इंशाल्लाह पॉलिशिंग का काम कल कर लेंगे। सेटअप सारा लगा लिया यार मैंने, देखो ड्रिल है, सॉरी मशीन लगा ली है, प्रेशर वाशर की हालत देखो यार, इसको भी किसी ने साफ करना, और गाड़ी की हालत मैंने दिखाई नहीं आपको, असल चीज़ ये चेक करो। ओए होए होए, बारिशें तूफानों में खड़ी रही है, हॉस्पिटल्स में बारिशों में जाती रही है, और हालात इसके मैं लाइट ऑन करता हूँ, ये चेक करो, काले फजले पता नहीं किस किस रंग की बीठे इस पर हुई हुई हैं, और मतलब काबिल तरस हालत में है ये गाड़ी। लेकिन अभी इसको मैं रानी बना दूंगा, ये मेरे से बम्पर नीचे लगा था उसके बाद उखड़ गया, ये भी काम कराने हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो बनाएगा आपका भाई अब इंशाल्लाह, लेकिन पहले ज़रा मैं इसको वॉश कर लूँ, टाइम बहुत कम है, सूरज ऑलमोस्ट अबाउट टू सेट, और मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स देखो मेरा गाड़ी धो रहा यार। मैंने धो ली है अच्छा, और ये ब्रश लगा के मैंने ड्रिल के आगे टायर भी 2 साफ किए हैं, और इट वर्क्स गुड। लेकिन ये है कि अभी मैंने गाड़ी अपनी मज़े से नहीं धोई क्योंकि अंधेरा बहुत होने वाला है यार। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं तुमको बोनट फिल पॉलिश लगा के बता दूँ कि मेरा ये नया ड्रिल है ये कैसा काम करता है। दमीन वाइल मुस्तफ़ा साहब, यार क्या कर रहे हो, गिर जाओगे ना मुस्तफ़ा साहब, नीचे आओ नीचे नीचे नीचे, बॉल सो बॉल देता हूँ पकड़ो
देखना गाड़ी नीचे चलिए। तो यार आप लोगों को मेरी कश्तानियाँ नजर तो आ रही होंगी, ये मैंने वाइट टेप लगाई है गाड़ी के बोनट पे, इस साइड पे हम पॉलिश करेंगे, साइड पे नहीं करेंगे। पॉलिशर के आगे हम लगाते हैं अपना बफ। मेरे पास दो तीन किस्म की पॉलिश हैं, लेकिन आज जो है मैं सिर्फ एक ट्राई करने लगा हूँ ताकि हम सिर्फ चेक कर सकें कि आया हमारा तजर्बा कामयाब हुआ है कि नहीं। ये हम इसके आगे लगाएंगे फोम, सही लगा यार, ये लग गया फोम। मेरे पास तीन किस्म के इस वक्त पॉलिशें हैं, ये स्क्रैच फार्मूला वन का स्क्रैच आउट है, स्क्रैच एंड स्वर्ल मूवर, ये जो गाड़ी पे गोल गोल किस्म की छोटी छोटी लकीरें बन जाती हैं उसको हटाने के लिए, और ये जो है ये पेस्ट पॉलिशिंग कंपाउंड है, आप इसको कंपाउंड पॉलिश कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दाग होते हैं गाड़ी के ऊपर मैल होती है उसको उतारने के लिए होता है। और आज मैं ये इस्तेमाल करने लगा हूँ, सिर्फ इसी को हम टेस्ट करेंगे और इसको साइड पर करते हैं। लगाने का तरीका मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। इसको अच्छी तरह से हिला के पहले इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसको खोला और ये ऐसे 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 देख ले, थोड़ी खोए मलाई इसके ऊपर लगाएंगे, इतना प्रेस करेंगे वो तीस पूरी जाइए, वो तेरी खैर सारी उतर गई। चलो ये चल, यार मैं इसको पूरे तरीके से तो नहीं रिमूव कर पाया क्योंकि थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत लगती है और अभी मैं इसको सही से ना बफ भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसको उतारते हैं। वैसे कोई डिफरेंट नजर आ रहा है आप दोनों को, मैं इसको उतारता हूँ फिर देखते हैं ये चीज़। अब मैं आपको और से दिखाता हूँ, लाइट तो वैसे यहाँ पे नहीं है, फ्लैश, ये फ्लैश लाइट ऑन है और आप डिफरेंस देख सकते हो, इस साइड पे भी देख लो, इस साइड पे भी देख लो, क्लियर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल कुची कुची और ये ज़रा रफ रफ है, और ये देख लें बिल्कुल गाड़ी के ना इस साइड से वाइट पेंट निकल आया, और ये साइड चेक करो क्लियर डिफरेंस है, ये लाइन नज़र आ रही है, क्या आ गया यार लड़के यार, ये है तो बड़े काम की चीज़ लेकिन आज मैं धोखा दे गया क्योंकि इसको मैंने चार्ज नहीं किया और मैं उसको काफ़ी अरसे से काफ़ी दिनों से मेरे पास, तो मैं उसको बस दबा दबा के चेक करता रहता हूँ। ये चेक करो डिफरेंस, चेक करो यार, वाओ नाइस से। The next day. तो भाई लोग अब मैंने ड्रिल से काम किया लेकिन पसीना भी आप तुम देख सकते हो क्योंकि बाहर सख्त गर्मी है यार। अभी टाइम आपको बताऊँ हैरत अंगेज बात, अभी हुए हैं 10, मैं 8:30 बजे उठ गया था, चीज़ इकट्ठी करना शुरू कर दी थी, माहौल बनाते हुए कम से कम आधा घंटा लग जाता है, कपड़े इकट्ठे करो, सारे बैग बैग निकाल के लाओ, सामान वाले अभी इकट्ठा करते हुए 15-20 मिनट लग जाएंगे सारी चीज़ें। तो गाड़ी मेरी तकरीबन 2 दरवाजे और 1 फेंडर रहता है, लेकिन अभी टाइम हो गया, मैंने अबू को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल टाइम निकाला है नींद पूरी किए बगैर आगे वीडियो बनाने। आज की वीडियो का मकसद क्या था, एक तो ड्रिल मशीन से पॉलिशिंग कैसी होती है, होती भी है कि नहीं होती, और दूसरा ये जो फार्मूला वन की जो कंपाउंड है जो महंगी मिलती है, ये इतनी महंगी हैं भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल से यार उसने अपना अच्छा काम किया है, लेकिन ड्रिल मशीन से इतना मैं समझता था कि अच्छा होगा, उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब काम उसने अपना 100% किया है लेकिन उसको यूज़ करना बजाते खुद एक हैंडी काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है उसको यूज़ करना, ड्रिल मशीन को थोड़ा अपने काबू का करना पड़ता है और काबू करने के चक्कर में आपके हाथ थकते हैं। बाकी ये है कि वंस ना ब्लू मून महीने में एक दफ़ा पॉलिश करने में कोई मसला नहीं है, अगर आपकी गाड़ी एक दफ़ा कंपाउंड हुई हो तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने से कंपाउंड की जरूरत होती नहीं है, मेरी गाड़ी को तो पता नहीं कब लास्ट में कंपाउंड हुई होगी, इसलिए सही है भी इसका बीच में से रंग वो निकालना है मैंने, लेकिन आपको कल मैंने जो बोनट में दिखाया ना उससे वाजे पता लगा था कि गाड़ी कितनी मैली है, रंग में कितना फ़र्क हो रहा है, अगर मैंने ये साइड पॉलिश की तो मुझे बाकी गाड़ी में साइड में बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपको उम्मीद है कि कल देखने को मिलेगी क्योंकि आज ना मुझे एडिटिंग का टाइम मिलेगा ना मुझे अपलोडिंग का टाइम मिलेगा,
तो ये वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। और जो लोग सोच रहे हैं ड्रिल पॉलिशर लेने का, वो ये सोच के लें कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करना है, सिर्फ पॉलिशिंग के लिए यूज़ नहीं करना, उसके आगे ब्रश लग जाता है। और ये मैट साफ़ करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और भी ड्रिलिंग के लिए भी अच्छी चीज़ है। आपकी छोटी मोटी जो ड्रिलिंग है, लाइट वेट ड्रिलिंग आपकी, वो भी उसके लिए भी फिट है। बैटरी टाइमिंग मेरे ख्याल से वो मेरी पूरी गाड़ी पॉलिश कर सकती है एक टाइम में। मैं ठीक ठाक एक 30 मिनट वक्त लगा रहा था, ऐसे रगड़ नहीं जाता यार। सब्सक्राइब कर दो मेरे पसीने के सदके, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं प्रॉपरली काम करना चाहता हूँ यूट्यूब पे। अब मैं अभी माइंड बना लिया कि नहीं यार, अब इसको टाइम देना है। पहले तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में खेलते खेलते 12,500 सब्सक्राइबर हो गए मेरे आप लोगों की मोहब्बत में, लेकिन अब मैं इसको प्रॉपर टाइम देना चाहता हूँ यार। सो ग्रो करते हैं थोड़ा सा अच्छा कंटेंट, लेकिन अच्छा कंटेंट तभी आएगा। देखो अभी गाड़ी पे मैंने इतना पैसा लगाया ना, इस गाड़ी पे हिसाब लगा लो मेरे ख्याल से मेरे को 50,000 रुपये इस पर लगा चुका हूँ गाड़ी को सेट कराने में। मतलब डैशबोर्ड वाला प्रोजेक्ट हुआ, डोर कार्ड वाला प्रोजेक्ट हुआ, और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ही हुए। और ये जो सामान खरीदा मैंने, वो देखो थैले भरे पड़े हुए, ये भी मैंने इतने पैसों से खरीदा यूट्यूब से, मुझे मतलब समझो कि कुछ भी नहीं आता। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बना सकूंगा मैं। अभी मेरी जो कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, वो ऑब्वियसली पैसों का भी मसला होता है, और दूसरा टाइम का मसला तो था ही था, लेकिन प्रोजेक्ट बड़े हैं। सीटें जिसकी 30-35,000 की नई सीटें आई पड़ी हैं, मैं कैश उसको पे करूँगा तो उठाऊँगा, और कैश और कामों के लिए भी चाहिए होती है, सिर्फ गाड़ी के लिए तो नहीं चाहिए होती। लेकिन यह है कि आप लोगों की सपोर्ट रही तो आपका भाई इंशाल्लाह यूनिक किस्म का कंटेंट लाएगा, जो कोई भी नहीं लेके आया होगा इससे पहले। और थैंक यू सो मच यार, अभी मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोबारा से सपोर्ट शुरू कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।